अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दीदी की शादी में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। सिंदूर का गिरना कतई शुभ नहीं होता। सब कुछ रेडी कर रहे हैं हम, बस थोड़ी देर लगेगी। हाँ ठीक है अरुण, जैसे प्लान किया ठीक वैसे ही करेंगे, एंड टाइम पे कोई बदलाव नहीं करेंगे। दिव्या जी आज सब कुछ एकदम टाइम पर हो रहा है ना, देखिए बारात भी एकदम टाइम पर आ गया। बस माता रानी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। भाभी बारात और बाराती कितने सुंदर लग रहे हैं ना। जल्दी है हमारी दीदी को ले जाने की, अपकमिंग जीजू जी। जल्दी तो हमें आपसे रिश्ता जोड़ने की है धानी जी। एक काम कीजिए, काम कीजिए, शादी के सारे वचन देने से पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आप सारी कसमें निभाएंगे। मंगलम 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 मंगलम। वादा हम उनसे करेंगे जो हमारे साथ शादी के बंधन में बंधेगी। सही जवाब, सही जवाब। दामाद जी ये हमारी धानी है, ये ना बिना आपसे वादा लिए ना आपको अंदर नहीं जाने देगी। अगर आपको जल्दी अंदर जाना ना तो जल्दी से वादा भी दे दीजिए। बहुदार एक चुंगी नाके का दरोगा तो है नहीं कि 20 रुपल्ली देना पड़ेगा। हमारे यहाँ कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आए, भान जाई पर बचन ना जाए। दे दीजिए बचन। ठीक है बाबा, अगर आप कहते हैं तो। हाँ
ठीक है धानी जी, तो फिर वादा करते हैं आपसे, याद जो कसमें खाएंगे ना उन्हें कभी भूलेंगे और ना ही कभी पीछे हटेंगे। वाह, नानी दीदी ने तो अपना वादा ले लिया, अब हमें भी शादी की पहली सेल्फी लेने दीजिए। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए कुछ खा पी लीजिए। आइए आइए आइए। दानी सुन, तू अब अपनी दीदी के पास चली जा और कुछ ही देर में उसको भी रस्मों के लिए बुलाएंगे, उसी के साथ रहना, ठीक है? उसे तैयार कर देना। ओके। जा। दीदी कहाँ चली गई? जीजू का मन इतना उतावला है दीदी को मिलने के लिए, तो दीदी भी तो बेचैनी होगी ना उन्हें देखने के लिए। जरूर उनकी एक झलक पाने के लिए छत पर गई होंगी, अभी देख कर आते हैं। तू छत पर भी नहीं है। कहाँ चली गई थी? कॉल करके देखते हैं एक बार। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. फोन ऑफ करके कहाँ जा सकती है दी? धानी बिटिया, किसको ढूंढ रही है तुम? कुछ नहीं, बस कुछ सामान ढूंढना था। आप अंदर जाइए ना प्लीज। कहाँ जा सकती है?
दीदी, दीदी आप कहीं छुपी है क्या? हाँ, पूरा घर छान मार दिया हमने, कहीं नहीं दिख रही आप। दीदी मजाक के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, प्लीज दीदी। दीदी इतनी रात को कहाँ जा सकती है, वो भी किसी को बिना बताए? काशीनाथ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, आपके बेटे की शादी हो रही है। भगवान भले ही देर से देता है पर देता जरूर है। अब देखिए ना, आपके बेटे ध्रुव का 15 रिश्तों के बाद ये रिश्ता जोड़ा है। आखिर जोड़ा तो ऊपर वाले नहीं है, सारा खेल वही करता है। आज ध्रुव की शादी का लड्डू खाने को लिखा था और आज खा रहे। सही जवाब, तभी हम कहता हूँ वही जो राम रची राखा। पंडित वाह, समोसा खाना बंद कर। हमरा बिटवा यहाँ खाना खाने नहीं, ब्याह करने आया है और थोड़ा जल्दी में है। देख कहाँ नजर टकटकी लगाए बैठा है। धानी, नीचे आ, ऊपर क्या कर रही है? बस एक मिनट, आया भी आया। देखो ना उसको कैसे ऊपर चढ़ी बैठी है। अरे दीदी, वो थाल रखा था ना सामग्री का। माता रानी, क्या है? दो मिनट ऊपर आना ना जल्दी। हम नहीं आ रहे, इतना सारा काम है। दो मिनट का काम है, जल्दी आइए। अच्छा रुक। जी, ये तिजोरी की चाबी है, सृष्टि के पापा कुछ मांगे तो दे देना, हम आ रहे हैं थोड़ी देर। ठीक है, आप जाइए। अगर आज कोई मजाक करने का इरादा है तो तुम आज तो बच जाओगी, क्योंकि शादी का बहुत काम, पर कल ना जरूर पिटोगी। अरे सृष्टि के साथ रहने के लिए कहा है, वो भी नहीं हो रहा तुमसे। अरे माधरानी, दीदी कमरे में नहीं है, पूरा घर छान चुके हैं, कहीं नहीं मिली हमें वो। अरे घर में नहीं है, कमरे में नहीं है तो क्या आज हम घर गई है मेकअप कराने? माधरानी आप खुद चेक कर लीजिए। अच्छी तरह से देखा, छत पर देखा? हाँ माता रानी, हर कोना दो दो बार छान मारे तभी आपको बुलाया यहाँ पर। तो फिर जा कहाँ सकती है वो? माता रानी, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मंदिर गई हो, कि जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है ना, तो प्रार्थना करने गई होंगी आशीर्वाद मांगने माता रानी से। शादी की हल्दी लगने के बाद लड़की घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखती, ये बात सृष्टि को अच्छी तरह से पता है, तो फिर वो इतनी रात को मंदिर कैसे जा सकती है? सुनिए, अब चिंता मत कीजिए, हम देख कर आते हैं ना एक बार, अब इस घर को संभालिए, ठीक है? अब चिंता मत कीजिए, अभी अच्छी। रानी रुक रुक, तेरी एक बात ध्यान से सुन, ये बात अपने बताने में किसी से पता मत देना, समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? तो शुरू हो जाएगा, अब चिंता मत करो, हम अभी अभी आए, ठीक है? ओहो, अपकमिंग साली साहिबा जी। किस धुन में चली जा रही है?
आपके घर पर बारात आई है और बारातियों की खातिरदारी करना आपकी ड्यूटी है। संकेत, जितना हम अपनी सारी साहिबा को समझ पाए ना, उतने में एक बात कहते हैं कि हर बात का जवाब रेडी रहता है इनके पास। अगर अपनी मस्ती में कुछ कह दें आपको तो दिल पे मत लेना। नहीं नहीं दिल। ध्रुव मेरे भाई, अक्सर जो जवाब देने वाले होते हैं ना वो साफ दिल के होते हैं। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हारी शादी एक साफ बोलने वाली की बहन से होने जा रही मेरे भाई। नहीं बड़े भैया, ऐसी बात नहीं है। इनके साथ हमारा सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता है और कुछ नहीं। और इनके पल्ले जो पड़ेगा ना, उनका तो सिर्फ भगवान ही मालिक होगा। हेलो धानी, सब ठीक ठाक ना? बहुत शान शान से दिख रही हो। हाँ हाँ सब बढ़िया है। अब आप बताइए, लखनऊ से यहाँ तक का सफर कैसा रहा? सब ठीक? सब बढ़िया, सब बढ़िया। नहीं नहीं बिल्कुल तकलीफ नहीं, बस थोड़ी सी थकान हो गई। आप यहाँ बैठ कर कुछ देर हमारे साथ बतिया लेंगी तो वो भी उतर जाएगी। जी जी जरूर जरूर बैठते, बस एक काम है तो जल्दी से जाकर आते हैं अभी, बस दो मिनट में। काली साहिबा, आप काम भी करती हैं? सरप्राइज कर दिया आपने हमें। ध्रुव मेरे भाई, अभी तो शुरुआत है, ऐसे सरप्राइजेस ना डेली देंगे तेरी सृष्टि जी। क्यों धानी? जी बिल्कुल, वैसे हमारी सृष्टि दीदी बहुत अच्छी है और ध्रुव जी ये सोचकर रोज सरप्राइज होते रहेंगे कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। अब फटाफट काम खत्म करके आते हैं। इससे बच के हमें भागना पड़ता है हर बार, और आज ये हमसे बचकर भाग रही है, आखिर बात क्या है? सृष्टि एक ऐसे बंधन में बंधने जा रहे हैं, एक ऐसे जीवन के पथ पर जा रहे हैं जिस पर आपने अपनी नजर सीधी रखनी है, आशीर्वाद देना है, उनका जीवन सुखमय हो, जो कुछ भी हो रहा है आप ही के इशारे पे हो रहा है, और जो कुछ भी आगे होगा वो आप ही की इच्छा से होगा। बच्चों पर नजर सीधी रखिएगा, उनको अपना आशीर्वाद दीजिएगा, बस इतनी प्रार्थना है। जय सिया राम। दीदी, मंदिर के द्वार तो बंद है, दीदी जा कहां सकती है? क्या वो गांव में भी नहीं मिली? धानी, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, जा अपनी पापा को बुला के लेके आ, जा। तभी से ये कहावत बन गई कि मूछ नहीं तो पूछ नहीं। बिटिया रानी, एक बात बताइए। हमारा तो जी करता है कि धानी बिटिया को भी साथ में ले जाए। भैया पाड़े जी,
दीदी का विवाह कौन के साथ करोगे? अरे तुमने तो दो ही बिटुआ है ना। अच्छा दो ही बेटा है? पहली बार सुना। एक रास्ता तो और है बिटिया रानी, तो हम आपको बेटी बना के ले चलते हैं घर में। लेकिन इस बात की गारंटी है धानी बिटिया, कौनो किस्म का कौनो टेंशन आने नहीं देंगे आपके ऊपर, ये समझ लीजिए। ये काशीनाथ पांडे का वादा। 40 गांव इधर और 40 गांव इधर, पूछ लीजिएगा, काशीनाथ पांडे एक बार वादा करता है तो पूरा करके रहता है। पापा वो मम्मी बुला रही है आपको। हाँ ठीक है, मैं अभी दो मिनट में आइए।